टाइम फिक्स है 11 बजे सिवन टाउन हॉल में, ठीक है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर लीडर है अखिलेश, और वो चलेंगे तो उनका स्वागत भी कई जगह रास्ते में होता भी है, दो जगह तो हम ही कर रहे हैं। जी, जी, जी। हमको मालूम है बंसुही में होगा, हमको मालूम है बसंतपुर में होगा, हमको मालूम है यहाँ माधोपुर गांव है वहाँ होगा, फिर वो बता गांव में होगा, हम करेंगे। अगर 5-5 मिनट भी समय दो दो। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सिवान शहर आजकल बैनर पोस्टरों से और तोरण द्वारों से भरा हुआ है, आप जिधर मुख्य सड़क जो है सिवान का उस पर नज़र डाल दें तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा हुआ है जिस पर बैनर और पोस्टर न लगा हुआ हो। और ये कारण है कि 2024 चुनाव की, हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से सभी दल लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है और कांग्रेस एक नई उत्साह एक नई उमंग के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। 23 तारीख को कांग्रेस के बड़े लीडर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और उनके साथ शकील अहमद खां, ये बड़े पदाधिकारी सिवान आने वाले हैं और उसको लेकर के सिवान कांग्रेस कमेटी जो है वो पूरी तरह से उत्साहित है। तैयारी चल रही है, तोरण द्वार बने हुए हैं और 23 तारीख को रविवार को जब ये बड़े पदाधिकारी सिवान आएंगे उस समय का माहौल क्या होगा वो हम आपको उस समय दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम बातचीत करेंगे कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं कांग्रेस के, उसको लेकर के सिवान में क्या तैयारी चल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सदस्य, प्रदेश कमेटी के सदस्य कमलेश सिंह जी, जो यहाँ सिवान में अधिवक्ता हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। कमलेश जी, प्रदेश अध्यक्ष आपके कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं सिवान, क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारी भी है, क्योंकि आप लोग बहुत कई दिनों से लगे हुए हैं, क्या तैयारी चल रही है? जिला कांग्रेस कमेटी अपनी तैयारी कर रही है, टाउन हॉल में उनका प्रोग्राम है। अच्छा, और अधिकारी होने के नाते मैं दो जगह उनके स्वागत की तैयारी किया हूँ, एक तरवारा मोड़ पर, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे अपराध मोड़। अच्छा, और हमारी कोशिश है कि वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों। तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष सिवान आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस को एक्टिवेट करना, कांग्रेस को मजबूत करना, संगठन के कार्यकर्ता में जान फूंकना, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह लाना, यही मकसद। तो आपको लगता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी में आप सभी लोग लगे हुए हैं, और खास करके हमें लगता है कि कांग्रेस इस बार पूरे देश की बात करें, सिर्फ हम बिहार की बात नहीं करेंगे, तो पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। उत्साहित का मतलब ये है कि जैसे कर्नाटक का चुनाव, जैसे हिमाचल का चुनाव, इन दोनों चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है। स्वाभाविक है कि जब सफलता मिलेगी इसका मतलब है कि लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, तो उत्साहित होना सब। क्या वजह है, इसको क्या माना जाए कि कांग्रेस की इसका एक जो 2014 में कांग्रेस को लोगों ने छोड़ करके और मोदी जी में विश्वास दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पे सीट को लेकर के आई और वो सत्ता में आई, तो अब ये 9 सालों में क्या लग रहा है कि मोदी जी का जादू कम हो रहा है कि ये आपके जो ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आपके नेता राहुल गांधी को पप्पू 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 कहा करते थे,
तो ये मोदी जी का जादू कम हो रहा है कि पप्पू का जादू चल रहा है लोगों के ऊपर? यही तो दुर्भाग्य है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है उसको लोग पप्पू कह रहे हैं, और जो सातवां पास है इंटायर पॉलिटिक्स, हाँ, उसको विश्व गुरु का माना जा रहा है इंटायर पॉलिटिक्स। और दूसरी बात ये है कि जिन मुद्दों पर 2014 में भाजपा की सरकार आई थी उसमें था भ्रष्टाचार, वो उस मुद्दे उसमें था महंगाई, उसमें था बेरोजगारी, वो सारे मुद्दों पर भाजपा फेल कर गई। अब महंगाई का आलम आप देख रहे हैं, 120 रुपए किलो टमाटर है, बेरोजगारी का दर काफी ऊपर चला गया है, 21 करोड़ लोग मनमोहन सिंह के समय में जो बीपीएल रेखा से ऊपर थे वो नीचे चले गए। फिर उस समय जो कहा जाता था कि मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो रामदेव बाबा जैसे सरीखे लोग कुछ कहते थे कि 40-50 रुपया पेट्रोल डीजल हो जाएगा, तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में 159 डॉलर बैरल था मनमोहन सिंह के जमाने में, तो सब्सिडी देकर मनमोहन सिंह 70 रुपये में बेचा करते थे। आज 59 डॉलर बैरल से भी कम तेल है, पेट्रोल और डीजल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में 100 से ऊपर। उस समय 400 रुपया में गैस का सिलेंडर सब्सिडी पर आपको मिलता था, आज 1200 रुपया लगता है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस भी 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर जेपी चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टेक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बढ़रिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर झूनापुर हाईवे से सटे बढ़रिया रोड सिवान। इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध, कॉल करें 9431871300। पर है भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। मणिपुर की घटना से तो आप वाकिफ और आगाह होंगे ही, पूरा देश उससे मरमाहत है। वहां लद्दाख वाले स्थिति से भी आप वाकिफ और आगाह हैं जी। तो इन सारे बिंदुओं पर उस समय एक बात, एक हवा उठा दी गई कि स्विट्जरलैंड में कांग्रेस वालों का इतना पैसा है कि जो पैसा आ जाए तो आम लोगों को। अब उस पैसे की बात नहीं होती, वो काला धन पीला धन ये लोग हर अपने भाषण में बीजेपी के जब लोग तो इनकी प्रमुखता होती थी वो काला धन पीला धन की, बाबा रामदेव भी बोला करते थे, लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं होती। 9 साल के शासन काल के बाद इनको ना कोई काला धन मिला ना पीला धन मिला, और स्विट्जरलैंड में इनके शासन काल में डिपॉजिट की मात्रा डबल हो गई, डबल का ट्रिपल मतलब वो बड़ा हुआ, बड़ा हो गया जी। तो ऐसी परिस्थिति में अब काला पीला धन की बात नहीं होगी। और अमित शाह रिकॉर्ड कहें कि जुमला था, तो कौन सी बात प्रधानमंत्री रेगुलर बोलते हैं, कौन सी बात जुमला बोलते हैं, अब तो ये वही जानते हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि जिस तरह की देश की परिस्थिति बनी है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो या फिर आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक दलित आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया गया, और वहाँ भी कई तरह की बात हुई, पेशाब किया गया किसी और को और शिवराज सिंह ने पैर धोया किसी और का, बाद में कलेक्टर ने वो सब कुछ खोल के रख दिया। तो ये आखिर क्या नरेंद्र मोदी से अब लोगों का धीरे धीरे भ्रम टूट रहा है जी?
लोगों के दिमाग में ये बात थी कि यदि नरेंद्र मोदी आएंगे तो इन महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर काफ़ी लगाम लगा देंगे, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली, सफलता मिलेगी भी नहीं क्योंकि उनकी मंशा सही है नहीं। वो तो एक कार्ड फेंकते हैं लास्ट में चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम का, और हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। एक आध बार सफलता उनको मिली है लेकिन इस बार नहीं। तो इस बार कांग्रेस का क्या रोल होगा बिहार में? बिहार में कांग्रेस कभी सत्ता के मुख्य बिंदु में थी, रहा करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब बिखराव दिखाई दे रहा है पार्टी के लेवल पे। क्या लग रहा है कि 2024 में कांग्रेस एक नए रूप में उभरेगी? 2024 में हमारे समझ से अभी अलायंस की ही राजनीति जी पार्लियामेंट में। हाँ, अब उस अलायंस में जो हमारी भूमिका होगी उस भूमिका को हम तय करेंगे, क्योंकि उसमें जदयू भी रहेगा, उसमें राजद भी रहेगा, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी रहेंगे, माले के भी लोग रहेंगे, तो इसमें जो हमारी भूमिका होगी उसको हम सकुशल तय करेंगे। क्या तस्वीर बनेगी अगर ये अलायंस होता है जी और अलायंस ग्राउंड लेवल पर उतर जाता है तो 40-0 का स्कोर होगा। अलायंस को 40 मिलेगा, बीजेपी को 0। लेकिन बीजेपी तो पूछ रहा, बार बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि भाई ये 26 दल की 24 दल ये सब इकट्ठे हैं और इनको पता ही नहीं है कि इनका दूल्हा कौन है। अरे भाई, तो दूल्हा कौन है सबको पता है, बस उसकी अनाउंसमेंट बाकी है और वक्त पर उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, आपकी जो एक नेता है सुप्रिया सुनेत, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है और बड़ा अच्छा बोलती भी है, उन्होंने कहा कि चलो दूल्हा जो तुम पूछ रहे हो, बीजेपी के लोगों ने जब पूछा कि भाई ये पता नहीं चल रहा है कि दूल्हा कौन है, इतने लोग बैठे विपक्ष के लोग वहाँ सभी लोग बैठे हैं लेकिन दूल्हा कौन है ये पता नहीं है, उन्होंने कहा कि चलो दूल्हा तो हम बताएंगे कि कौन है, दुल्हन कौन है ये तो बताओ पहले कि दुल्हन कहाँ रखे हो, कौन है दुल्हन? नहीं, हम इस पर दूसरा जवाब देंगे कि हम एक बात सिर्फ कहेंगे कि हमारा दूल्हा जवान होगा, उनके जैसा कोई बूढ़ा दूल्हा नहीं होगा। इंडिया का दूल्हा जो है से जवान आदमी। अच्छा, एक सवाल और है कमलेश जी की, जब यहाँ चुनावी दौर शुरू होगा, आपके नेता आ रहे हैं, कुछ ना कुछ घोषणाएं होगी, कन्हैया जो हमारे बिहार के ही हैं कन्हैया कुमार, उनको लेकर के क्या पार्टी कुछ यहाँ पे बिहार में कुछ नया सोच रही है? बिहार में नहीं सोच रही है, या बिहार में भी सोच रही है, उनको हो सकता है कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जाए एक बात, और दिल्ली में उनको AICC में कोई प्रभार, अभी तक NSUI का प्रभारी बनाया गया पूरे ऑल इंडिया का, और भी कुछ प्रभार उनको दिया जाएगा, चूंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और एक अच्छे वक्ता है, जो सुनने है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी NSUI का प्रभारी पूरे देश भर का बनाया गया है और भी दायित्व तो दिया जाएगा, हो सकता है कि पार्लियामेंट के बेगूसराय चुनाव लड़े। अच्छा, ये कुछ आप लोगों में कांग्रेस के बीच जिला लेवल पे कुछ थोड़ा सा गतिरोध है क्या? परिवार में तो बड़ा परिवार रहता है तो गतिरोध रहता ही है, छोटा परिवार में आज घर में गतिरोध हो जाता है तो इसमें भी गतिरोध रहता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका ऐसा तो नहीं कि इसका असर चुनाव वगैरह में देखने को मिलेगा, या इस तरह का अगर कोई गतिरोध है तो ये तो घर के अंदर बैठ कर की ये बात होनी चाहिए, बैठ कर उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, उसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप रविवार के बारे में बता दीजिए कि रविवार को कितने बजे आपके नेता यहाँ सिवान में इन करेंगे और क्या क्या तैयारी है ताकि हमारे दर्शक भी जान जाए। टाइम फिक्स है 11 बजे सिवान टाउन हॉल में, ठीक है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर लीडर है अखिलेश बाबू, और वो चलेंगे तो उनका स्वागत भी कई जगह रास्ते में होता भी है, दो जगह तो हम ही कर रहे हैं, हमको मालूम है सिवान में होगा, हमको मालूम है बंसुही में होगा, हमको मालूम है बसंतपुर में होगा, हमको मालूम है यहाँ तरवारा के बगल में माधोपुर गाँव है वहाँ होगा, फिर वो बड़का गाँव में होगा, फिर तरवारा मोड़ पर हम करेंगे। अगर 5-5 मिनट भी समय, 2-2 मिनट भी समय माना के लिए देख लें तो समय हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 11:30 तक टाउन हॉल में वो पहुंच आ जाएंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी सिवान में जो बड़े नेता आने वाले हैं कांग्रेस के,
प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं, उनके साथ शकील अहमद खां हैं, वो आने वाले हैं, और एक लंबी तैयारी हम आपको दिखाएंगे कि सिवान जो शहर है वो किस तरह से बैनर और पोस्टरों से पटा हुआ है, और उसको लेकर के कांग्रेस के जो लीडरान हैं, यहाँ के जो जिला स्तर के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग हैं, वो सभी लगे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनके जो कांग्रेस कमेटी के हैं वो आने वाले हैं, और हमें लगता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं असेंबली के, उसको लेकर के ये पूरी तैयारी चल रही है। देखना है कि रविवार को 23 तारीख को जब ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सिवान आते हैं, टाउन हॉल में जाते हैं, वहाँ पे सभा को संबोधित करते हैं, तो उस समय वो किन किन बातों को जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखते हैं, ये तो अब रविवार को ही पता चलेगा। हम आपको लगातार ये सारी गतिविधि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमारे ATN लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रंच एट लीनो, केक्स फॉर ऑल ओकेजंस, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच इटलिनो, केक्स फॉर ऑल ओकेजंस, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला अखौरी, सिवान। कॉन्टेक्ट नंबर है 9155399786, वही दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर 9852206421। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। BMP Max Memorial मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि MBBS MS ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ है। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी, और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BMP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।